ले जाओ। सर, जा रहे जा रहे जा। क्या? बच्चा लग? क्या? अच्छा वो बॉक्स। बॉक्स। अरे खोलना भी है। ओके ओके। मिस्टर वागले, ये आदमी घूम क्या रहा है? मैं भी वही सोच रहा हूँ। आई नो, आई मीन वो मुझे लगता है 3 करोड़ के डायमंड। क्या जी? वो अगर यहाँ लूट हो गई ना तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन और रेटिंग दोनों चली जाएगी। मुझे आप चिंता मत कीजिए, डायमंड हमारे ऑफिस के लॉकर में बिल्कुल सेफ है। हमारे फोन, सेल फोन सब कुछ स्विच ऑफ है, हम किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते। ये है आपका पार्सल, इम्पोर्टेड है ये तो। ये किताब आपकी है? भाई साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं? Exactly कौन सा पार्सल चाहिए आपको? हाँ। मैं समझ गया, घुंघरू चाहिए ना, घुंघरू। ये तो सनी, क्या बोल रहे तू? ये भाई जिंदा रहना है तो बोलना तो पड़ेगा, है कि नहीं? वो आज तो रात को मुझे एक शादी पर खाना खाने जाना है। एक मिनट, टाइम प्लीज। वो चश्मे वाला मारफतिया ना, मारफतिया, उसको पता है घुंघरू कहाँ पे, वो आपको आपका पार्सल देगा। वो मारफतिया जी, पार्सल दे दीजिए, पार्सल। काश बंदू कोई हेल्प भेज दे। नो 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 नो, ओ माय गॉड, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। टैगिंग डांस करेंगे? सॉरी दक्कू, पर अब तुम खड़े हो जाओ। अरे ये घुंघरू के चक्कर में इतना बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। टेंशन के मारे में ना मेरा बीपी बढ़ रहा है। देखा देखा, हम देखा, तुम्हारी वजह से परम पूज्य बन्ना भाभी का बीपी अप डाउन हो रहा है। ओ माय गॉड। ए घुंघरू के लिए वो झालर प्रबुद्धा को राजेश भाई के ऑफिस में भेजने की क्या जरूरत थी? और वो येड़ा प्रबुद्धा मास्क पहन के ऑफिस में चला गया, बोलो। क्योंकि प्रबुद्ध को जुकाम हुआ था, इसीलिए उसने मास्क पहना था ताकि ऑफिस वाले लोगों को उसका इन्फेक्शन ना हो। ए यम, यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और तुम्हें जुकाम की पड़ी है? व्हाट? सब तुम्हारी गलती है। अरे बात तो दकु, ना ही तुम मेरे घुंघरू छुपाते और ना ही ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता। अरे अभी झगड़ना बंद करो और पुलिस को इन्फॉर्म करो फटाफट। यस मंटर, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है तू। उस एरे प्रबुद्धा को जेल में तो जाना ही चाहिए। नहीं 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 दकु, प्लीज प्लीज पुलिस को फोन मत करना, प्लीज पुलिस को फोन मत करना। बेचारा प्रबुद्ध हम का बिना वजह का सलाखों के पीछे चला जाएगा। प्लीज वन्ना बहन प्लीज प्लीज दकु को रोको, प्लीज। दकु भाई रुक जाइए। जो आज्ञा देवी। हर्षद भाई, दकु भाई आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अभी के अभी ना राज के ऑफिस चले जाइए। हाँ। क्योंकि राज को इस बारे में सब कुछ बताना बहुत जरूरी है। तब तक हम राज का फोन ट्राई करते रहते, अगर हमारी बात हो जाएगी तो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ? वाह देवी वाह, इससे बढ़िया आइडिया तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। ए बंटर, क्या कर रहा है? चल फटाफट। प्रणाम अन्ना भाभी। किसी भी तरह इस बारे में राज को इन्फॉर्म करना जरूरी है। देखिए भाई साहब मैडम को कुछ मत कीजिए, आपको जो पार्सल चाहिए वो मिल जाएगा, इन्हें कुछ मत कीजिए। मारपतिया जी जाइए, पार्सल लेकर आइए। आई नो अरे आई नो, जल्दी जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। मारपतिया जी जल्दी आइए। आई नो, चलिए प्लीज प्लीज।
हर्षद भाई और तकु भाई अभी तक राज के ऑफिस पहुंचे क्यों नहीं है? ट्रैफिक में अटक गए होंगे बंधु। आप चिंता मत कीजिए वंदना भाभी, हर्षद है ना एकदम सुपर फास्ट गाड़ी चलाता है, किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। यामिनी भाभी आप वो प्रभु को फोन कीजिए ना। हाँ उसी को कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है, मैंने मैसेज छोड़ के रखा है। प्रबुद्ध का फोन। प्रबुद्ध कहाँ हो तुम? ब्लेस यू ब्लेस यू। यामिनी जी कुछ खबर देने के लिए फोन किया है। घुंगरू मिल गए, घुंगरू घुंगरू मिल गए, घुंगरू मिल गए। अरे स्पीकर पे डालिए ना फोन। प्रबुद्ध तुम्हें घुंगरू लेने के लिए राजेश भाई के ऑफिस में नहीं जाना था तुम्हें। एक मिनट यामिनी भाभी फोन दीजिए प्लीज। प्रबुद्ध जी सुनिए, अगर वो घुंगरू लेने के लिए पीटू भी मैक्स के ऑफिस में है तो प्लीज मेरी वहाँ राजेश वागले से बात कराइए ना। लेकिन मैं घुंगरू लेने के लिए राजेश वागले के ऑफिस क्यों जाऊंगा? गॉड ब्लेस यू। क्या गॉड ब्लेस यू? मैं तो ये बड़ा ड्रामा डांसिंग स्कूल से लेकर आ रहा हूँ। अरे क्या ताली बजा रहे हैं आप? डांसिंग स्कूल मतलब आप वो मास्क पहन के पीटू मैक्स के ऑफिस नहीं गए? वहाँ पे सबके फोन नहीं छीने आपने? नहीं तो मैं तो अब अपने घर पहुँचने वाला हूँ। मारा राम जी, तो फिर राजेश भैया के ऑफिस में मास्क पहन के कौन घुसे? जो भी गए वो जरूर वो 3 करोड़ के डायमंड चोरी करने के लिए गए। भगवान ये आपका कुरियर? ये कुरियर नहीं, मेरा बेटा गुरु स्वामी। थैंक यू। क्या सोच रहा? हादसे के बारे में सोच रहा हूँ। क्या बीती होगी उस मिस्टर नटराजन पर? I feel so sad for him. सीरियसली राज, मतलब पूछ के ही डर लगता है। जवान होनहार इंजीनियर बेटा इसे सडनली एक फायरिंग में मर गया। क्या बीत रही होगी उसके पेरेंट्स पे? कैसे जिएंगे? पूरी लाइफ इस मेमोरी के साथ था। ये फॉरेन कंट्रीज में ना ये गन कल्चर इतना रैम्पेंट है ना, मतलब ये मास किलिंग्स की न्यूज तो आए दिन आते रहते हैं यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, मॉल्स में। हाँ मतलब मासूम लोगों की जान जाती है, घायल हो जाते हैं, जिंदगी भर के लिए हैंडीकैप हो जाते हैं। मतलब सोचो ना, यहाँ पे एक मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चे को विदेश भेजता है पढ़ाई करने के लिए या यू नो जॉब करने के लिए, अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी लाइफ की सेविंग्स उस बच्चे पर लगा देते हैं और ऐसे हादसे में उस बच्चे की जान चली जाती है। तो सोचो क्या बीती होगी।
नहीं हम मतलब फॉरेन कंट्रीज क्यों, हमारे यहाँ भी अभी ये गन कल्चर इतना फैल रहा है ना, शादियों में, बारातों में, पार्टीज में, खुशी जाहिर करने के लिए हवा में ऐसे गन चला देते हैं। What kind of mentality is this? You know, मेरे आने वाले पॉडकास्ट में मैं इसके बारे में जरूर बात करूंगा। I'm going to talk about this gun culture. तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पॉडकास्ट में इसके बारे में बात करने से जो गन कल्चर इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है उसमें कुछ बदलाव होगा? पापा हमेशा कहते हैं कि समाज में क्रांति बदलाव एक विचार से ही शुरू होता है। Let's see. पता है, I mean, this is your best quality. कि कोई भी सिचुएशन होती है ना, तुम हार नहीं मानते, you make an effort, तुम कोशिश करते हो कुछ करने की, ये तुम्हारी सबसे खूबसूरत क्वालिटी है राज। इतना अच्छा लगता है ना मुझे। चलो सो जाओ, वो सुबह तुम्हें 3 करोड़ के घुंघरू की पहरेदारी भी करनी है ना। वो 3 करोड़ के घुंघरू की डिलीवरी हो चुकी है बाय द वे। कब हुई पता है क्यों नहीं? सॉरी हुआ यूं कि वो जो क्लाइंट था वो दुबई से मुंबई एयरपोर्ट आया, मुंबई एयरपोर्ट से सीधे ऑफिस से उसने वो डायमंड का पैकेज लिया और चला गया। थैंक गॉड सीरियसली थैंक गॉड। कम से कम अब तुम चैन से सो तो पाओगे। चलो गुड नाइट बंधु। गुड नाइट। ये घुंघरू की आखिर में छम छम की आवाज आ रही है, मुझे आभास हो रहा है। नहीं नहीं कोई आभास नहीं हो रहा है, सच में आ रही है आवाज। वो यामिनी भाभी घुंघरू पहन के अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही है। अरे बाप रे, ओके, इसका मतलब अब हमारी जो रातें हैं वो रुई के सहारे गुजरेंगी। गुड नाइट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।